सोलो so, फ्रेंड्स आज हम लोग कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या होता है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या होता है तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना क्या करना कल्पना करना इमेजिन करना एक ऐसे समाज को जो इतना आइडियल है जो इतना आदर्श है कि उसको साकार होना लगभग असंभव होता है उसे कल्पनादर्श या यूटोपिया के रूप में जाना गया तो अब सोचिए कि ऐसा समाज जिसमें कोई झगड़ा ही ना करे क्या ये पॉसिबल है या संभव है क्या ऐसा समाज जो मिलजुल के रहे सब मिलजुल कर सब हंसी खुशी रहे लगता है कि संभव है नहीं असंभव है कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ तो दिक्कत होगा ही अशांति थोड़ा सा ही पैदा होगा ही हम लोग जानते हैं कोई भी ऐसा देश नहीं है कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे कोई ना छोटी मोटी बात ना होती हो या कुछ भी दिक्कतें ना आती हो तो हर तरफ सेम चीज नहीं हो सकता है तो इसलिए ऐसी समाज की कल्पना कर लेना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो जाता है उसे हम लोग कल्पनादर्श या यूट के रूप में जानते हैं